आज की वीडियो हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स। सिनोनिम होते हैं बेटा जिनके सेम मीनिंग होते हैं। करा क्या जाएगा, आपको एक वर्ड दिया जाएगा और आपको दे दिए जाएंगे चार ऑप्शन। आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा वर्ड जो है बिल्कुल सेम मीनिंग का है, ठीक है। पहला वर्ड है बेटा डिलीजेंट। अच्छा, डिलीजेंट मतलब क्या होता है, देखो डिलीजेंट हो या फिर लिखाओ बेटा इंडस्ट्रियस या फिर लिखाओ हार्ड वर्किंग, सबका एक ही मतलब होता है। तो डिलीजेंट मतलब इंडस्ट्रीज या फिर हार्ड वर्किंग, तो इसका आंसर क्या है, हार्ड वर्किंग, ठीक है। इंटेलिजेंट होता है जो बंदा दिमाग से बहुत तेज हो। एमिनेंट होता है बेटा वेल नोन, जिसको दुनिया जानती हो, फेमस टाइप का, दुनिया क्या सोसाइटी क्या मतलब किसी भी जगह वेल नोन। रिलायबल मतलब इस पर आप भरोसा कर सके। तो ऑब्वियसली इसका आंसर सबसे नज़दीक इसके है हार्ड वर्क, ठीक है। नेक्स्ट है अप्राइज। अप्राइज मतलब होता है टू इन्फॉर्म समवन, टू इन्फॉर्म, ठीक है। अब सुनो, प्रेस होता है बेटा किसी की प्रशंसा करना, तो ये तो होगा नहीं। कंसील होता है छुपाना, टू हाइड, टू हाइड। एसेस होता है बेटा किसी चीज़ का ना मूल्यांकन करना कितनी है, तो एक वर्ड होता है मिलता जुलता अप्रेस, APPRAISE। इसका मतलब होता है बेटा मूल्यांकन करना कितनी वैल्यू। इन्फॉर्म मतलब किसी को जानकारी देना, अप्राइज मतलब टू इन्फॉर्म, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या है, इन्फॉर्म। नेक्स्ट पे चले, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल होता है बेटा शांत, साइलेंट, आप बोलो साइलेंट, काम, आप बोलो पीसफुल। अब देखो ए है ट्रिमेंडस। ट्रिमेंडस होता है वेरी ह्यूज, वेरी ह्यूज, बहुत बड़ा। ट्रीचरस होता है बेटा गद्दार, गद्दार, धोखेबाज, इस तरह से लिख दो गद्दार। हिंदी में लिख दो कैसे लिखते हैं, गद्दार, है ना, धोखेबाज। डायनेमिक मतलब कोई चीज़ मोशन में हो, फिजिक्स में आप पढ़ते होगे ना एक स्टैटिक और एक डायनेमिक, तो डायनेमिक मीन्स समथिंग दैट इज मूविंग। और पीसफुल मतलब, तो इसका आंसर क्या है बेटा, पीसफुल। बास नेक्स्ट है टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट से कई बच्चे सोचेंगे टेम्पेस्ट लिखा है तो टेम्पटेशन होगा, नहीं बेटा। टेम्पेस्ट मतलब होता है वायलेंट स्टॉर्म, वो तूफान जो बहुत वायलेंट हो, जगह जगह चीज़ें उड़ा रहा हो, बहुत नष्ट कर, इधर उधर कर दे बेटा, नुकसान कर दे। टेम्परेचर मतलब कितना बॉडी टेम्परेचर किसी भी चीज़ का, स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ड्रामा मतलब कोई भी ड्रामा चल रहा हो। टेम्पटेशन होता है बेटा लालच, आप कहते हो किसी चीज़ को देख के मैं टेम्पटेड हो गया था, तो इसका आंसर क्या है मेरा, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट है नेफारियस। नेफारियस होता है बेटा बुरा, बुरा बोलूँ, दुष्ट बोलूँ, ठीक है। इसका आंसर बनेगा विग्ड। न्यूरोटिक होता है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, कोई भी चीज़ होती है उसे कहते हैं न्यूरोटिक, है ना। न्यूरोसर्जन सुना होगा आपने। नेचुरल होता है कुदरती। और डोसाइल मतलब सबमिसिव, ऐसा इंसान जो सबका कहना मान जाए इसलिए, सबमिसिव। बात समझ आई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, विग्ड। नेक्स्ट वर्ड है इरिवोकेबल। इरिवोकेबल होता है जो चीज़ आप करेक्ट ना कर सको, डेट कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, चेंज नहीं बेटा। अनअल्टरेबल मतलब अनचेंजेबल, ये ठीक है। डन मतलब पूरा, और रिवर्सिबल मतलब कोई चीज़ को दोबारा उसी स्टेज पर ले जाना, तो ऑब्वियसली बात है बेटा इसका आंसर क्या बनेगा मेरा, अनअल्टरेबल। नेक्स्ट मेरा वर्ड है प्रीएम्बल। अच्छा प्रीएम्बल बेटा आपने कॉन्स्टिट्यूशन में सुना, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे प्रीएम्बल को डिफाइन किया है। तो प्रीएम्बल बेसिकली क्या बताता है, इंट्रोडक्शन किसी भी चीज़ का ना, प्रीएम्बल ऑफ आर कंट्री, इंट्रोडक्शन बताता है कंट्री। कंक्लूजन होता है बेटा फाइनल रिजल्ट, कंक्लूजन होता है फाइनल रिजल्ट। डेफिनेशन होती है क्या, परिभाषा किसी भी, आप डेफिनेशन पढ़ते हो साइंस में, हर जगह डेफिनेशन पढ़ते हो परिभाषा। मेडिटेशन मतलब बेटा जो मेडिएटर होता है, कि मान लो दो पार्टीज की लड़ाई चल रही, तो उनको बीच जो कोई बीच का रास्ता निकालना, उसे कहते हैं मीडिएशन, ठीक है। एडवर्स होता है बेटा विपरीत, या फिर जो परिस्थिति बेटा आपके अनुकूल ना हो, प्रतिकूल हो, मतलब अगेंस्ट किसी, तो होगा अनफेवरेबल। आप कहते हो मैंने यार एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में अपनी पढ़ाई करी है, स्ट्रगल करा है, तो उसका अनवांटेड होता है नॉट नीडेड। अनइक्वल मतलब बराबर नहीं। अंडी होता जो नहीं चाहिए होता, आप कहते हैं किसी की अंडी फेवर की जरूरत नहीं मुझे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इंसोलेंट। इंसोलेंट मतलब बेटा डिसरेस्पेक्टफुल, या फिर मैं बोलूँ किसी का तिरस्कार करना, अनादर करना, तो देखो एक ही ऑप्शन है डिसरेस्पेक्टिव।
डेप्रिशिएटिंग का मतलब किसी चीज़ की वैल्यू घटना बेटा, डेप्रिशिएशन मतलब वैल्यू घटना। इनसॉल्युबल जो किसी में डिजोल्व ना हो, सोल ऑफ ए शू तो बेटा कोई मतलब नहीं, तो उसका आंसर क्या बचा मेरा, डिसरेस्पेक्टफुल। नेक्स्ट है कमोशन। कमोशन होता है बेटा बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, बहुत ज़्यादा हो हल्ला। तो देखो डिस्टर्बेंस क्लियर वर्ड दे रखा है। इम्बैलेंस होता है किसी चीज़ का इम्बैलेंस बन जाना बेटा, क्या वेट का इम्बैलेंस हो, लाइफ का इम्बैलेंस हो। चीयर होता है खुश होना, मूवमेंट होता है आंदोलन, तो उसका आंसर क्या बनेगा मेरा, डिस्टर्बेंस, है ना। हाँ, नेक्स्ट वर्ड है एक्वेंट। एक्वेंट का होता है ए अराउज, बी इंट्रोड्यूस, सी अपॉइंट और डी एक्वायर। एक्वेंट मतलब बेटा इंट्रोड्यूस कराना, किसी को इंट्रोडक्शन देना या फिर इंट्रोड्यूस कराना। अराउज होता है किसी के अंदर फीलिंग डेवलप करना। एक्वायर मतलब कोई चीज़ एक्वायर करना। अपॉइंट मतलब किसी को, इंसान को नौकरी पे रखना, अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, है ना, तो इसका क्या है, इंट्रोड्यूस। जेन्युइन, जेन्युइन होता है रियल एंड ऑथेंटिक, रियल एंड ऑथेंटिक। गुड होता है अच्छी क्वालिटी का, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का होना। अट्रैक्टिव मतलब बहुत आकर्षित हो, लवेबल से बहुत प्यार करो। बोनाफाइड का रियल मीनिंग होता है बेटा, रियल एंड होता है, तो इसका आंसर क्या मेरा, बोनाफाइड, ठीक है। फोरबोडिंग, फोरबोडिंग का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो आप पहले से ही बता लो कि आपको लगा कुछ बुरा होने वाला है ना, समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। अच्छा देखो, फोरकास्ट होता है बेटा किसी चीज़ के बारे में पर कहना कि ये चीज़ हो सकती है, जैसे आप कहते हैं वेदर फोरकास्ट, है ना, उसे कहते हैं बताना कि भविष्य के बारे में कुछ बोलना। फोरसाइट मतलब भविष्य देख लेना, भाई आपने बोला कि यार कई सालों बाद देखिए तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, 10 दिन बाद सुपर पावर आ गई, तो उसे कहते हैं फोरसाइट, कि कोई चीज़ भविष्य में देख पाना। फेलियर होता है बेटा कि फेल हो जाना। अलार्म होता है बेटा कि डर जाना कि कोई चीज़ होने वाली है ना। नेक्स्ट है बेनाइन, बेनाइन होता है बेटा काइंड, या किसी चीज़ की इनिशियल स्टेज, इनिशियल स्टेज आया, फिर आप बोलो सॉफ्ट या बोलो काइंड। तो देखो इनमें से एक ही वर्ड बन रहा है एमिएबल। एमिएबल होता है फ्रेंडली एंड लवेबल। रिचुअल होता है जो भी आपने रीति रिवाज मानते आए हो। सफोकेट मतलब गला घुट जाना, और सी एस्टेब्लिश मतलब अपने आप को एस्टेब्लिश करना, कोई एम्पायर खड़ा करना, कोई बिल्डिंग, तो इसका आंसर क्या बनेगा मेरा, एमिएबल। बात समझ आई नहीं आई। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एक्रियू। एक्रियू मतलब बच्चे चीज़ों को ना इकट्ठा कर लेना है, जो चीज़ों को जोड़ के जाना, तो इसका देखो रिसीव, सी क्वेरी मतलब कोई चीज़ की क्वेरी है कोई, एक्यूमलेट मतलब इकट्ठा करना, परमिसिव मतलब किससे आज्ञा लेना या किसी की बात मानना, है ना, तो इसका आंसर क्या बनेगा बेटा, सिनोनिम एक्यूमलेट मतलब इकट्ठा होना। नेक्स्ट है प्रोलिफिक। ये जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है बेटा वेल नोन, वेल नोन या फिर एमिनेंट कहूँ, आप बोल सकते हो प्रोडक्टिव, आपको फर्टाइल कह सकते हो। अब सुनो, डेरोगेटरी मतलब किसी का बेटा मजाक उड़ाना, तिरस्कार करना, अनाथ करना, वो अनादर करना, ये हो नहीं सकता। एक्सक्विसाइट होता है वेरी ब्यूटीफुल, फैसिनेटिंग, ये हो नहीं सकता। अनसाइटली मतलब जैसे देख ना सके। प्लेंटीफुल मतलब बहुत एबंडेंट मात्रा में, बहुत प्रोडक्टिव होना, तो इसका आंसर क्या बनेगा, प्लेट, ठीक है। नेक्स्ट है पिजोरेटिव। पिजोरेटिव होता है अगेन बेटा किसी का तिरस्कार करना, तिरस्कार करना। अब देखो ये वर्ड है डिवाइंडल। डिवाइंडल मतलब होता है डिमिनिश। अनरेस्ट्रेंड मतलब किसी पे लगाम न लगा पाना। रेस्ट्रेंड मतलब लगान लगाना, और अनरेस्ट्रेंड मतलब किसी को रोक ना पाना, ठीक है। स्लैंडरस होता है किसी की वही निंदा करना, बुराई करना, तिरस्कार करना, तो इसका आंसर क्या बनेगा मेरा, स्लैंडरस। बात समझ आ गई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस वो बहुत चीज़ होती है जिस पर विश्वास ना कर सकते, समथिंग दैट इज एंटायरली बियॉन्ड बिलीव। एस्टोनाइजिंग होता है बेटा सरप्राइजिंग, तो ये तो है नहीं, ठीक है। फ्लैटरी होता है चापलूसी करना, है ना, किसी को मतलब बेनिफिट के लिए बॉस को कह रहे हैं बहुत बटर लगा रहे हैं सर प्लीज प्लीज ऐसे करके। सुपरफ्लूस होता है कि नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। तो एक ही वर्ड बना कौन सा, डिस्ट्रेसफुल। नेक्स्ट है एट्रोसियस। एट्रोसियस होता है किसी पे बेटा जुल्म करना, इस तरह से ना अपराध करना। टिमिड होता है कायर या डरपोक, तो ये तो है नहीं। डाउटी होता है धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे कोई भी चीज़ धीरे धीरे करना, तो ये तो है नहीं। इम्परवियस होता है जिसके पास आर पार चीज़ें चली जाए, जैसे कपड़ा आया, कपड़े अगर पानी रखोगे तो चीज़ें चली जाती, पानी नीचे चला जाएगा ना कपड़े के आर पार, उसे कहते हैं इम्परवियस। विशेष होता है बहुत बुरा, तो आंसर क्या है, बहुत बुरा। नेक्स्ट है ल्यूरिड।
ए हैप्पी, बी अबुंडेंट, सी ब्राइट, डी ल्यूरिड का बेटा क्लियर मीनिंग होता है वेरी शॉकिंग। ऑब्वियसली ऑप्शन में ये था, एबुंडेंट मतलब होता है प्लेंटीफुल, ब्राइट मतलब बहुत उजाला, हैप्पी मतलब बहुत खुश। इस वीडियो में बेटा करेंगे इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।